में हमसे बहुत कुछ छीना है, जान माल का नुकसान हुआ है, साथ ही हौसले भी टूटे, मगर अभी उम्मीद का दीप कोरोना के ग्राफ नीचे गिरने के रूप में नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक को लेकर क्या क्या अनलॉक होगा, अभी कितने जिले के अनलॉक होने की खबर है, क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में क्या निर्णय लिए गए, तो आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के हाल से। इसलिए हमारे साथ मौजूद है खरगोन SDM सत्येंद्र सिंह, साथ ही हमारे साथ खरगोन से हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता भी मौजूद हैं। पहला सवाल सर आपसे मेरा, खरगोन जिले में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या कोई राहत की खबर नजर आ रही है? कोरोना में खरगोन में कोरोना के काफी गिरावट है जी। कल पूरे संपूर्ण जिले में 27 केस आए हैं जी, और 17 की संख्या पहुंची 27 तो परसों थी। और खरगोन एक बहुत बड़ा शहर है, कस्बा है जी, यहाँ पे कोरोना के मात्र 2 केसेज आए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के जो निर्देश आए हैं और लॉक करने के लिए जो परीक्षित 1, 2, 3, 4 जी इन गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है, किस गतिविधियों को चालू करना है, इसके संदर्भ में कल जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई है और शासन के जो निर्णय है समस्त निर्णयों से जितने माननीय सदस्य हैं क्राइसिस मैनेजमेंट से अवगत कराया जाएगा जी। सर अनलॉक की क्या प्रतिक्रिया होगी? अनलॉक के लिए जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान लोग हैं जी, सबकी ऐसी हम लोगों ने जगह जगह ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की, उनका जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, सबकी इच्छा है कि अनलॉक की प्रक्रिया होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए जी। महेंद्र अगला सवाल मेरा आपसे, आप खरगोन एक आदिवासी बाहुल जिला है, तो लॉकडाउन में उनकी क्या समस्याएं रही, और दूसरा सवाल कि क्या अनलॉक होने पे कहीं लोग लापरवाह ना हो जाएं, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसे मेरा जहाँ तक मानना है, जो अनुभव है पिछले 2 माह में हम लोगों ने देखा है, जनता काफी जागरूक हो गई है दूसरी लहर के बाद जी जी, और जनता खुद ही जागरूक हो गई है, मास्क लगा के लोग सड़कों पे भी निकल रहे हैं, गाँव में भी निकल रहे हैं जी। पहले जैसी बात नहीं रही, पूरी मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि खुलने के बाद भी कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा जी मैं बताना चाहूंगा, खरगोन जिले की वर्तमान अपडेट 13,751 कुल संक्रमित मरीज थे जी, जिसमें 13,242 डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं जी। अभी वर्तमान में नए संक्रमित 27 मरीज आए थे और कुल डेथ 219 हुई है, 267 एक्टिव केसेस हैं खरगोन जिले के। मैम मैं दूसरी तरफ ये बताना चाहूंगा कि अनलॉक खुलने पर अगर लोगों ने अवेयरनेस नहीं वापरी की गई, तो पुनः वापस 2020 और 21 के बीच दरमियान अप्रैल महीने में जो कंडीशन बनी थी वो वापस देखने को मिल सकती है। अगर अवेयरनेस यहाँ पे करती है जनता, तो इसमें बहुत कुछ मदद मिल सकती है। और यहाँ पे जो कोविड का मैं जानना चाहूंगी कि अवेयरनेस के मामले में खरगोन जिले का क्या हाल है, क्या लोग अवेयर है वहाँ पे अभी? जी, लोगों में जागरूकता बहुत कुछ फैल चुकी है सर, ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के से ऐसा लगता है कि कभी कहीं देखने को मिलता है कि वो लोग अवेयरनेस छोड़ देते हैं। इससे प्रशासन से यही है कि वो अवेयरनेस पे काफी कुछ ध्यान दें जी। सर अगला सवाल मेरा आपसे कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल ने आर्थिक स्थिति खराब कर दी है, ऐसे कई परिवार हैं जिनको खाने के लाले पड़ गए हैं, ऐसे कई घर हैं जिसमें बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए प्रशासन का क्या कदम होगा खरगोन जिले? आप SDM खरगोन से पूछ रही हैं? जी जी सर जी, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ काफी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जी, और शहरी क्षेत्र में दीनदयाल रसोई योजना चल रही है जी, और पर डे हम लोग 4,000 से 5,000 लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं जी। और जहाँ तक अनाज वाली बात है, तो उसका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सर्वे हुआ है जी, वहाँ के 2 ऐसे लोग हैं जिसके माता पिता चले गए और उनकी तत्काल हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है जीवन यापन के लिए जी, और शासन स्तर से जो भी घोषणा की गई है ऐसे अनाथ बच्चों के लिए, वो सारी सुविधा देने के लिए कलेक्टर बैठक में भी सारी योजना बना ली है, और जब तक उसको कार्यान्वित न किया तब तक के लिए हम लोगों ने टेम्पररी उनकी खाने पीने की सबकी व्यवस्था करा दी है, और यहाँ ऐसी भुखमरी जैसी कोई स्थिति नहीं है जी, और किसी को भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सकता आपको शिकायत करते हुए
तो उसको खाना नहीं देना। जी मैं महेंद्र जी से फिर से एक बार हाल जानना चाहूंगी कि आर्थिक रूप में क्या स्थिति है। नहीं, काफी बढ़िया स्थिति है यहाँ पे आर्थिक रूप में। जिले में काफी मैनेजमेंट बढ़िया सा चल रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर भी यहाँ पे काफी लोगों में जागरूकता है। मैं प्रेसिडेंट साहब से एक सवाल थोड़ा सा करना चाहूंगा कि सर जिले में एक पक्का जो वैक्सीनेशन से परहेज करा है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? वैक्सीनेशन के लिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन मोड में अभी चल रहा है चारों तरफ, उसमें जो प्लॉट बुक करने की प्रक्रिया शिथिल कर दी गई है और लोग मौके पे ही जाते हैं, उनके पास जो दस्तावेज वगैरह हैं उसके आधार पे पंजीयन हो जाता है और वो चल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, पर डे हम 1200 से 1400 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं जी। और कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है काफी स्मूथ चल रहा है जी। और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद, क्योंकि 1 दिन को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जी, तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के अनुसार जो शहरी क्षेत्र के कामकाजी लोग हैं सबसे पहले हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं कि शहर खुलने के बाद, क्योंकि दुकान पे आने जाने का काफी लोगों का रहता है जी, तो लोग भी संक्रमण होने से बचे और दुकानदार भी बचे, तो सब लोग सबसे पहले हम लोग उन लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, कामकाजी लोगों को जी। एसडीएम सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या क्या एहतियात बरते जाएंगे? तीसरी लहर को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ब्लॉक स्तर पे सभी दूर आईसीयू की व्यवस्था हो रही है जी, और जिले स्तर पे जो आईसीयू की व्यवस्था है यहाँ भी 10 बेड बढ़ाए गए हैं जी, एनआईसीयू की भी व्यवस्था की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि तीसरी लहर को हम लोग रोकने में पूरी तरह से सक्षम होंगे जी। सर, एक सवाल मेरा है कि सर अभी मध्य प्रदेश में हमारा खरगोन जिला रेड जोन के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, तो सर इसके लिए लॉकडाउन खुलने से पहले इस रेड जोन को समाप्त करने के लिए क्या 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 किया जाए? इससे हमारे समझ से अभी स्थिति पिछले 1 सप्ताह में काफी सुधर गई है, हमारा रैंकिंग भी काफी सुधर गया है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश गाँव जो है ग्रीन जोन में आ गए, हमारे शहर भी ग्रीन जोन में आ गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कल पूरे संपूर्ण जिले में मात्र 17 केसेस निकले हैं पॉजिटिव के, और उसमें भी खरगोन जैसे बड़े शहर में मात्र 2 केसेस निकले हैं तो, और जबकि हमारा जो सैंपलिंग का साइज है वो 1400 से 1500 पर डे हो रहा है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि जो हमारा ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है वो काफी डाउन हुआ है, 5% से नीचे हो गया है। सर एक सवाल और था, लास्ट सवाल है सर कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 2 वैक्सीनेशन आ रही है, तो 45+ में केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जा रही है उस उन सेंटरों पे काफी लोग नहीं देखने को मिल रहे लगवाने के लिए, और 18+ में जब से ये नीति लागू हुई है हम लोगों ने काफी सेशन साइट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में चलाए हैं जी। और 45 वर्ष से ऊपर के चाहे वो ग्रामीण व्यक्ति हो या शहरी व्यक्ति हो, आज भी केंद्र खुला हुआ है और आज भी लोग जा करके टीकाकरण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी 18 से 44 को भीड़ ज्यादा आ रही है, अभी मतलब कैटेगरी के लोग जा रहे हैं, मेरे समझ से तो कहीं असुविधा नहीं है और लोगों की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं मिल रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप अपना समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर।